अक्सर आप देखते होंगे कि आज हर दूसरा युवा सलमान खान जैसी सिक्स पैक्स वाली बॉडी बनाने का सपना देखता है। हीरो जैसी फिटनेस पाने के लिए वो कई तरह के फिटनेस सप्लीमेंट का भी सहारा लेते हैं। इससे बॉडी तो बनती नहीं, भयानक बीमारियों के शिकार जरूर बन जाते हैं। हाल ही में हुई एक मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि इन फिटनेस सप्लीमेंट की वजह से व्यक्ति बहुत भयानक बीमारियों के शिकार बन सकता है। यहाँ तक कि ये फिटनेस सप्लीमेंट व्यक्ति को नामर्द तक बना सकते हैं। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में बेचा जाने वाला 60 से 70% हेल्थ सप्लीमेंट नकली और गैर मान्यता प्राप्त और गैर रजिस्टर्ड होता है। इस पर युवा पैसे तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ कई अंदरूनी बीमारियों के शिकार भी बन जाते हैं। डॉक्टरों की माने तो इनमें स्टेरॉयड होता है, जिससे हार्ट अटैक और भी कई गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ता जाता है। वेट गेनर सप्लीमेंट में प्रोटीन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हाई प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचने के बाद फैट में बदल जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। इसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और दिल की बीमारियां घेर रहती हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेने से पुरुषों में फिजिकल हार्मोन और प्रजनन क्षमता पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो नपुंसक भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि मोटापा घटाने के लिए युवा वेट लूज सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेहत के लिए बहुत घातक है। इसमें क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वसा तो कम होता ही है, साथ ही ये शरीर के पानी को भी कम कर देता है। इससे डिहाइड्रेशन की वजह से जान भी जा सकती है। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।